अभी बहुत तेज बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा आगे दुनिया के आगे रोम अराउंड करने आया, मतलब रोम अराउंड करने आया। एंड इट्स रेनिंग सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। पानी सुबह से मतलब बरसात हो रही है तो मैं बस चेकआउट करना, चारों तरफ गोरा ही गोरा है। स्टे ट्यून। और यहाँ भी है तो अब जाएंगे धारसुला एंड मिलते हैं। स्टे ट्यून। 5 बज चुके हैं वैसे, गाड़ी आएगी। सो गाइस नाउ आई एम लिविंग फ्रॉम हल्द्वानी और ये हल्द्वानी का मार्केट है। यहाँ से होते हुए मैं जाऊँगा पहाड़ की तरफ। स्टे ट्यून। Hey, what's up everybody? तो अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप में DC पेट्रोल पंप, तो यहाँ से निकल के, बारिश बहुत हो रही है तो यहाँ से निकल के जाएंगे हम। तो यहाँ से शुरू होता है पहाड़ों का सफ़र और आगे देख सकते हो आप एकदम खुली खुली रोड और चारों तरफ पेड़ और पौधे, बहुत ही सुंदर नज़ारा। हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो अभी इस होटल में यहाँ पे नाश्ता कर रहा हूँ मैं, बिकॉज अभी एक जगह पे कहीं बंगा पानी में शायद पुल ख़राब है तो हम नैनीताल वाले रूट से जा रहे हैं। तो नैनीताल वाले रूट से जाके मिलते हैं एंड नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, देखिए आप। तो दोस्तों इस सफ़र में आप देख सकते हो चारों तरफ कोहरा है क्योंकि ये मानसून का माहौल है, इसके लिए यहाँ पे बरसात की वजह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है एंड जिसकी वजह से जो मदर नेचर है वो और भी खूबसूरत हो गई है। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। और अगर आप बरसात में उत्तराखंड यानी कि कुमाऊँ एरिया की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इन अद्भुत नज़ारों का मज़ा यानी कि लुत्फ़ उठाने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो मैं दनिया के एक होटल में रुका हूँ
जहाँ पे खाना वगैरह था, ये दिन के 1 बजे हैं, तो फिर मैं धारचुला को निकलूँगा स्ट्रेट। मटन थाली खा रहा हूँ और यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं थोड़ा आगे दुनिया के आगे रोम अराउंड करने आया, एंड इट्स रेनिंग, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। पानी सुबह से मतलब बरसात हो रही है, तो मैं बस चेकआउट करना, चारों तरफ हो रहा है। स्टे ट्यून्ड। तो अभी मैं बाहर गया था, थोड़ा गीला हो गया मैं क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। और दुनिया में एक्चुअली में हर कोई रुकता है फॉर हैविंग फूड, यानी कि दिन का खाना खाते हैं। डायरेक्टली मैं पिथौरागढ़ में रुकूंगा कुछ देर के लिए, और उसके बाद धारचुला। स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल शिवा दीपेश नेगी है। और ये देख सकते हो यहाँ पे दो नदियों का, यानी कि काली और गोरी नदी का संगम, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हो दोनों पानी आपस में मिलकर अलग अलग कलर दे रहे हैं। What's
सब एवरीबॉडी, तो फाइनली हम लोग धारचूला पहुंच चुके हैं और ये भाई ने ऑल द वे ड्राइव किया। नाम बताना भाई अपना। विनोद। विनोद तो हल्द्वानी तो धारचूला विनोद भाई ने चलाया और अभी हम पहुंचने वाले धारचूला। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, यू हैव वॉच्ड ऑल द वे जर्नी। स्टे ट्यून्ड।